Sponsored by Sri Nataraj Oils. Pure Edible Oils. खेत में मिली लाश। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटीमा में दो दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक का शव एनएच के किनारे खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भर मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। सीमांत कोतवाली खटीमा के झनकट क्षेत्र में एनएच के किनारे एक खेत में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी तलाश शुरू की तो पता लगा कि मृतक युवक शुभम राणा खेतल संडा निवासी है, जो 8 तारीख से संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता है और पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नवभारत समाचार खटीमा से गोरखनाथ की रिपोर्ट। कल हमारे थाने में एक अंजलि राणा पत्नी शुभम राणा द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पति शुभम राणा, जो पेशे से एक टुक टुक चालक है, अपने टुक टुक समय दिनांक 8 तारीख से गायब है। तो उस समय हमारे यहाँ गुमशुदगी लिखी गई थी, जिसमें आज प्रातः हमें सूचना मिली कि उस गुमशुदा की आज सलाह सड़िया में ईट का एक बंद ईट भट्टा है, उसके बाद जो झाड़ झंकार है वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी है। मौके पर जाकर हमने देखा तो उसकी सब उसी तरह था, उसका शव था। शव के पास में नशे के सिरिंज नशीली सिरिंज जैवी की चीज़ें थी, जिससे ये लग रहा था कि नशा उसके द्वारा किया गया है, जिसका उसकी मृत्यु हुई है। उसके साथ ही उसके पंचनामा उसका भर दिया गया है और मृत्यु का वस्तु कारण पास किया। तो युवक का कोई नाम, इस बारे में कुछ जानकारी मिली? युवक का नाम शुभम सिंह है, उसके पिता का नाम स्वर्गीय मनोज है, जो खेतल संडा गाँव के रहने वाले हैं।